जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे प्यारे लाडलो, कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्लिप किस तरीके से तैयार की जाती है। जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी जो सैलरी स्लिप होती है वो किस तरीके से तैयार की जाती है, उसमें कौन कौन से अलाउंस को शामिल किया जाता है, उसमें कौन कौन सी कटौतियाँ की जाती हैं। आपका एक सपना है सरकारी कर्मचारी बनना, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, और जब आप एक गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे आपका जो गवर्नमेंट जॉब का सपना वो पूरा हो जाएगा। और जब महीने के महीने आपके अकाउंट मैसेज फ़ोन में एक मैसेज आएगा कि भाई इतने रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए, तो उससे आपको एक बहुत ही खुशी फील होगी। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ प्यारे साथियों कि एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी स्लिप किस तरीके से तैयार होती है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आप किसी भी वैकेंसी की सैलरी स्लिप जानना चाहते हो, कि आप कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसको कितनी सैलरी मिलती है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। भारत की हर एक वैकेंसी के सैलरी के बारे में यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। इस चैनल का सबसे मेन उद्देश्य है दो। पहला सबसे मेन उद्देश्य है भारत के जितने भी गवर्नमेंट जॉब है हर एक गवर्नमेंट जॉब की सैलरी के बारे में बताना कि कितनी सैलरी मिलती है, इसकी हम बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी का वीडियो बनाते हैं। और दूसरा है मेरे प्यारे साथियों कि हम किस तरीके से बनते हैं, जैसे जज किस तरीके से बन सकते हैं, वकील किस तरीके से बना जाता है, डॉक्टर किस तरीके से बना जाता है, LLB करने के क्या फ़ायदे हैं, BA करने के क्या फ़ायदे हैं, BSc करने का क्या फ़ायदा है, पायलट किस तरीके से बना जाता है, एयर होस्टेज किस तरीके से बना जाता है, इस तरीके के जो भी बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, जो इंटरेस्टिंग पोस्ट है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर हम वीडियोज बनाते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत नई जानकारी प्रोवाइड करवाएगा और आपके बहुत ही काम आएगा। अब देखो, सबसे पहली बात की जाए, फिलहाल में जो सैलरी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 7th CPC के अकॉर्डिंग मिलती है, मतलब 7th Pay Commission के अकॉर्डिंग सैलरी दी जा रही है फिलहाल में। सबसे महत्वपूर्ण बातें, अब देखो, ग्रेड पे, लेवल पे स्केल और बेसिक पे, ये चार चीज़ें हुए जिसमें से ये जो तीन चीज़ें हैं ग्रेड पे, लेवल और पे स्केल, ये तीन हैं ऐसे फैक्टर जो आपकी सैलरी डिसाइड करते हैं। जैसे ग्रेड पे, किसी का 1800 ग्रेड पे है, किसी का 2000 ग्रेड पे है, किसी का 2400 ग्रेड पे है, किसी का 4200 ग्रेड पे है, किसी का 4600 ग्रेड पे है। ग्रेड पे जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। पे लेवल, 3 पे लेवल, 4 पे लेवल, 5 पे लेवल, 6 पे लेवल, 7 पे लेवल, 8 पे लेवल, 9 पे लेवल, 10 पे लेवल, तो जिस तरीके से आपका पे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। प्यारे साथियों, जिस तरीके से आपका ग्रेड पे बढ़ता जाएगा, जिस तरीके से आपका पे लेवल बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से आपका पे स्केल बढ़ता जाएगा। और जब ये तीनों बढ़ेंगे तो मेरे प्यारे लाडलो, आपका जो बेसिक पे है वो ओवरऑल ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। अब बेसिक पे क्या है? देखो, बेसिक पे का यहाँ पर मतलब है भाई, जैसे आपने कोई भी नोटिफिकेशन देखा होगा उसमें लिखा होगा 21,700 से लेकर 69,100 तक, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई जब आप ज्वाइनिंग करोगे आपके पहले महीने का बेसिक पे रहेगा 21,700 रुपये और आपका मैक्सिमम बेसिक पे रहेगा 69,100 रुपये, ठीक है। तो प्यारे लाडलो, आप समझ गए होंगे ग्रेड पे और पे लेवल, इन दोनों से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। आपका जितना ज़्यादा ग्रेड पे होगा आपका पे लेवल उतना ही ज़्यादा होगा, और जब आपके ये दोनों ज़्यादा होंगे तो ओवरऑल आपका जो पे स्केल है वो भी ज़्यादा रहेगा, और जब ये तीनों आपके ज़्यादा होंगे तो आपका बेसिक पे ज़्यादा रहेगा, और जब बेसिक पे ज़्यादा रहेगा तो आपकी ऑटोमेटिकली सैलरी ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सैलरी में कौन कौन से अलाउंस वगैरह मिलते हैं। देखो, सैलरी में सबसे पहला होता है बेसिक पे, ये होता है मूल वेतन, जिसमें किसी तरीके की कटौती नहीं होती है और ये कम से कम सैलरी होती है। जैसे लिखा हुआ है 21,700 रुपये से लेकर 69,100 तक, तो 21,700 क्या है? आपका स्टार्टिंग बेसिक पे है, ठीक है। तो एक तो होता है बेसिक पे, इसके अलावा DA, इसको हम DNS अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं, और ये साल में 2 बार बढ़ता है, लगभग एक बार जनवरी में बढ़ता है, एक बार जुलाई में बढ़ता है, और साल में लगभग ये 6 से 7% बढ़ता है,
ठीक है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है या स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना बढ़ाती है, लेकिन एवरेज मानकर चले तो डीए साल में 6 से 7% बढ़ता है, साल में 2 बार बढ़ता है। ठीक है, फिलहाल में ये 42% मिल रहा है। ये जो डीए है ये आपके बेसिक पे से कैलकुलेट किया जाता है, जैसे 21,700 यदि आपका बेसिक पे है तो उसका 42% आपको डीए मिल जाएगा। उसके बाद में हम एचआरए के बारे में बात करें, हाउस रेंट अलाउंस। आप भाई कहीं पर भी आप नौकरी करोगे तो वहाँ पर आपको रूम रेंट पर भी लेना होगा अपने रहने के लिए, तो गवर्नमेंट आपको रहने के लिए मकान भत्ता भी देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एचआरए के मामले में पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, 9%, 18% और 27%। ठीक है, यदि आप किसी बहुत बड़ी सिटी जैसे मुंबई दिल्ली कोलकाता में पोस्टिंग आपकी, आप दिल्ली मुंबई कोलकाता में काम कर रहे हो तो आपको 27% एचआरए मिलता है। यदि आप भारत के छोटे छोटे गांव में नौकरी करते हो तो आपको 9% एचआरए मिलता है, और यदि आप इन दोनों के बीच की जो सिटी हैं उनमें काम करते हो तो आपको 18% एचआरए मिलता है। और ये प्यारे साथियों 9%, 18%, 27% ये बेसिक पे से ही कैलकुलेट किया जाता है। ये हो गया आपका मकान भत्ता। उसके बाद में होता है टीए, जिसको हम ट्रेवल ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। ये होता है परिवहन भत्ता। भाई आप अपने मकान से और आप ऑफिस तक जाओगे तो आने जाने में भी आपको खर्चा लगेगा, तो इसको बोलते हैं हम टीए, जिसको हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। ये इसके लिए गवर्नमेंट ने ग्रेड पे के अकॉर्डिंग एक टेबल तैयार कर रखी है। जितना ज़्यादा आपका ग्रेड पे होगा उतना ही ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा, जितना कम ग्रेड पे होगा उतना ही कम आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा। ध्यान रखना ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो हर प्रकार की कर्मचारियों को नहीं दिया जाता, जैसे जो टीचर होते हैं टीचरों को कभी भी टीए नहीं मिलता, जैसे पुलिस की नौकरी है तो पुलिस वालों को टीए मिलता है, डॉक्टरों को टीए मिलता है, ठीक है, लेकिन जो अध्यापक होते हैं जो टीचर्स होते हैं उनको टीए नहीं मिलता, ध्यान रखना। तो इन सभी को मिलकर मोटे मोटे तौर पर इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोथ सैलरी तैयार होती है, इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोथ सैलरी तैयार होती है। ठीक है, और बाकी कुछ अलाउंस हैं जो पोस्टिंग के अकॉर्डिंग मिलते हैं कि आप किस टाइप की नौकरी में हो, उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे और अलाउंस होते हैं। जैसे आप यदि पुलिस की पोस्ट में हो तो आपको साइकिल अलाउंस भी मिलेगा, इसके अलावा आपको मेरे प्यारे साथी वॉशिंग अलाउंस भी मिलेगा। आप यदि जैसे आर्मी या किसी भी वर्दी वाली पोस्ट में हो, स्पेशली आर्मी वगैरह में हो, एसएससी जीडी से लगे हुए हो, तो आपको मेरे प्यारे लाडलो वहाँ पर आपको जो आपकी पिस्टल है उसके मेंटेनेंस का अलाउंस भी मिलेगा, आपको हेयर कट अलाउंस भी मिलेगा। तो आगे और भी बहुत सारे छोटे छोटे अलाउंस मिलते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप की नौकरी में हैं, लेकिन ये मोटे मोटे ये जो चार हैं ये तो सभी को मिलते हैं और इन्हीं के बेस पर आपकी ग्रोथ सैलरी तैयार होती है। ध्यान रखना टीए टीचर को नहीं मिलता। अब ध्यान रखना ये ग्रोथ सैलरी है ये पूरी की पूरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती, इस ग्रोथ सैलरी में कुछ डिडक्शन होते हैं, कुछ कटौतियां होती हैं। अब कटौतियां कौन कौन सी होती हैं, मोटे मोटे तौर पर प्यारे साथियों ये चार प्रकार की कटौतियां होती हैं। सबसे पहला होता है एनपीएस, दूसरा होता है सीजीजीआईएस, तीसरा होता है प्रोफेशनल टैक्स। यदि मैं एनपीएस कटौती के बारे में बात करूं प्यारे साथियों, तो देखो आप जब नौकरी के लग जाओगे और जब आप फर्स्ट एड ज्वाइनिंग करोगे, जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा नेशनल पेंशन स्कीम के तहत। ठीक है, आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा, या आपका एक एनपीएस अकाउंट खोल दिया गवर्नमेंट ने। अब इस एनपीएस अकाउंट में क्या होगा, आपका बेसिक पे प्लस आपका डीए दोनों का 10%, आपका बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ा जाएगा और उसका 10% अमाउंट काट कर आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जितना आपका अमाउंट कटा है उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, तो ओवरऑल आपके उस एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ महीने के महीने, 20%, 10% जो आपका कटा था और 10% गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से आपके उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियाँ होती हैं इनमें बेसिक पे और डीए का 10% कट के एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिक पे और डीए का 13% अमाउंट अपनी तरफ से उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो यदि आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपके एनपीएस अकाउंट में मंथली 20% अमाउंट ट्रांसफर होगा, 10% जो आपका कटा, 10% गवर्नमेंट ने जो अपनी तरफ से मिलाया। और यदि आप सेंट्रल जॉब में हो तो आपके एनपीएस अकाउंट में मंथली 23% अमाउंट जमा होगा, 10% जो आपका कटा और 13% गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाएगी।
ठीक है। अब ये जो एनपीएस अमाउंट है इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज के अकॉर्डिंग आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा प्यारे साथियों, जब भी आपको रुपए की जरूरत पड़े तब आप इसको निकलवा सकते हो, और यदि नहीं निकलवाते हो तो रिटायरमेंट के समय आपको एक साथ विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में तो ये तो कटौती कह नहीं सकते एक तरीके से, ये तो जस्ट डबल से भी ज्यादा होकर आपको वापस मिल रहा है। उसके बाद CGGIS, ये कटता है एक छोटा सा अमाउंट कटता है, या तो 30 रुपये कटता है या 60 रुपये कटता है, कुछ कुछ पोस्ट है जहाँ पर ये 80 रुपये कटता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि 60 रुपये मात्र अमाउंट है महीने का, 60 रुपये कटेगा, 30 रुपये कटेगा, और इससे आपको और आपके फैमिली मेंबर को बिल्कुल हेल्थ की फ्री सुविधा मिलेंगी। आप या आपका कोई भी फैमिली मेंबर यदि बीमार हो जाता है तो इस कटौती के तहत वो अपना बिल्कुल फ्री इलाज करवा सकता है। महीने के 30 रुपये या 60 रुपये कटेंगे, जिनसे आप और अपनी फैमिली में यदि कोई भी कैंडिडेट बीमार होता है तो उसका आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री इलाज करवा सकते हो। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स कटता है, ये इनकम टैक्स कटता है। यदि आपकी सैलरी ज़्यादा होगी तो आपका ज़्यादा टैक्स कटेगा, कम होगी तो कम टैक्स कटेगा। तो प्यारे साथियों, डिडक्शन में ये एनपीएस है, ये तो जस्ट डबल से भी ज़्यादा होकर वापस मिल रहा है, और CGIHS और प्रोफेशनल टैक्स है ये आपके कटते हैं, जिसमें ये जो CGEGIS है इससे आपको बहुत बड़ा हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड फ़ायदा मिल रहा है कि आप या अपनी फैमिली का बिल्कुल फ्री इलाज हो रहा है। और ये जो प्रोफेशनल टैक्स है भाई, ये रिटर्न नहीं होता, ये फ्री का कटता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अमाउंट हमें गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। तो इस तरीके से ये टोटल आपके 3 डिडक्शन होते हैं मोटे मोटे तौर पर। अब होती है नेट सैलरी, जो मंथली आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। नेट सैलरी जो आपके मंथली अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, प्यारे साथियों, आपकी जो ग्रोथ सैलरी थी उसमें से डिडक्शन को लेस कर दिया जाएगा। सपोज डेट आपकी ग्रोथ सैलरी 1000 थी, आपका डिडक्शन हुआ 100 रुपये, तो कितनी बनी? 900 रुपये। 900 रुपये क्या थी? आपकी नेट सैलरी थी, ठीक है। तो इस तरीके से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप तैयार की जाती है। मोटे मोटे कुछ अलाउंस थे और कुछ डिडक्शन थे जिनको हमने यहाँ पर शामिल कर लिया। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स भाई मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं हम दूसरे ऐसे एनर्जेटिक वीडियो के साथ।